चलो एग्जाम्पल 16 की फॉर्म बोला था, बनी किसी से फॉर्म? नोटिस करो ये क्या बेटा, ये क्या है लीनियर और ये क्या है क्वाड्रेटिक, ठीक है? लीनियर की फॉर्म तो जानते ही होगे क्या होती है। अच्छा कई बच्चे जो मिस्टेक करते बता दूं, जब फॉर्म चेंज करने लगते हैं ये लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, किसी ने इंटीग्रेशन का साइन तो नहीं लगा दिया उठा के? ध्यान रखना क्योंकि इंटीग्रेशन में हम, ये इंटीग्रेशन नहीं हो रही, सिर्फ अंदर वाले की फॉर्म चेंज हो रही है सिर्फ इतने हिस्से की, तो इंटीग्रेशन लगा दिया। नोटिस करो मैंने कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाया, सिर्फ लास्ट में जब सॉल्व करते हैं तब लगाना है। आइए वापसी, एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्या कह रहे हैं? ऊपर से कुछ मैटर नहीं करता, अभी ऊपर का बताऊंगा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की पावर हमेशा छोटी होनी चाहिए, यानी न्यूमरेटर की डिग्री छोटी और डिनोमिनेटर की बड़ी। न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर 2 है ना, और डिनोमिनेटर में कितनी आएगी? 3, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर 3 हो जाएगी, ठीक है? वो आगे एक पॉइंट आएगा बट उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। अब लीनियर का कैसे लिखते बेटा? ए अपॉन एक्स प्लस टू, और क्वाड्रेटिक का बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक क्लियर? एलसीएम लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कट गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आगे चल के मैं ये भी स्टेप डायरेक्ट स्किप करूंगा, मैं डायरेक्ट इसी को लिख दूंगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस टू। बोलो पहले यहां तक क्लियर, यहां तक कंफ्यूजन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके दैट्स ग्रेट। अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक्स की जगह माइनस टू, तो सर क्या लिख के दिखाना एक्स की जगह? मैंने कहा आप चाहो तो डायरेक्ट एबीसी की वैल्यू लिख दो, कोई मैटर नहीं करता, ये तो आपको समझाने के लिए। माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन एन टू माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन बी इंटू माइनस टू प्लस सी। एक मिनट मैं पूरा लिखी क्यों रहा हूँ, तो जीरो हो गया सीधा सीधा। सॉल्व करो, फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस टू थ्री, और ये कितना आ रहा है? फाइव है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? थ्री बाय फाइव। बी में नहीं लिखा बेटा, बी में क्यों लिखूँ? ये जैसे ही लिखूंगा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में वो जीरो हो जाएगा। चलो अब मेरा ए आ गया, फिर अब क्या करूँ सर? जीरो रख दो, पुट एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्या हो जाएगा मेरा? जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस वन ए इंटू वन सी इंटू टू, राइट? ए बना, तो वन इज इक्वल्स टू ए प्लस टू सी, ए की वैल्यू थ्री बाय फाइव प्लस टू सी, इसे इधर भेज दो तो वन माइनस ए हो गया टू बाई थ्री, टू बाई फाइव टू बाई सी, तो सी कितना आ गया बेटा? वन बाय फाइव। अब बी कैसे निकालूं? अभी मैंने क्या रखा था अभी तक? टू रखा था, अब वन रख दो, फोर एक्स इक्वल्स टू वन, क्या हो जाएगा बेटा? वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन बी इंटू वन प्लस सी वन प्लस टू थ्री टू ए थ्री बी प्लस थ्री सी, राइट? सॉल्व कर दो नेक्स्ट पेज पे, थ्री इज इक्वल्स टू टू ए
प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी। अब a की वैल्यू कितनी निकाली बेटा आपने, 3/5। c की वैल्यू कितनी निकाली, 1/5, राइट। सिक्स बाय फाइव, थ्री बी, 3/5। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, कैसे पता लगता है कि ज़ीरो करना है? अब देखो यहाँ x के साथ क्या है, b, बेसिकली को a b हटाने होते हैं किसी भी तरह। अब अगर मैं x ज़ीरो रखूँगा तो b गायब हो जाएगा, तो उससे मेरे को आसानी रहेगी, ये एक पहचान होती है सीधी सी। वरना ऐसा याद रख सकते हो कि x ज़ीरो रखना है, ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, टेंशन ना लो। सॉल्व करने के लिए इधर भेजो, डायरेक्ट यही आ रहा है। तो बी की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 2/5। बेटा बुक से देखा, अपनी अक्कल लगाइए, अक्कल लगाइए, नाइस। अब बस करना क्या है, यहाँ वैल्यू डाल दो, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में क्या था बेटा, क्या था मेरा बच्चा, एक्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही था ना, इज इक्वल्स टू ए। ए कितना बेटा, 3/5 एक्स प्लस टू, फिर क्या था, प्लस प्लस फॉर्म क्या थी मेरी, बी एक्स प्लस सी। अब इसको ध्यान से देखो, बी एक्स प्लस सी वाले के ऊपर फोकस करना, बी की जगह क्या लिखूंगा, 2/5 एक्स, 2/5 एक्स प्लस सी, सी कितना है, 1/5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को इंटीग्रेशन किसका करना है, इसी का। एक काम करूँ, यहाँ से कॉमन ले लूँ, 3/5 एक्स प्लस टू, देखो ना दोनों का डिनोमिनेटर 1/5 है, तो क्या कर सकता हूँ, सीधा लिख सकता हूँ उसे 2x प्लस वन अपॉन 5 एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ। ये बात नहीं समझ आई होगी, है ना बेटा, आपको नहीं आई ना समझ, आप ही को कह रहा हूँ। 3/5 एक्स प्लस टू, बेटा नीचे वाला क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो क्या बना, 2/5 एक्स प्लस 1/5 इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। बोलो यहाँ तक क्लियर, 3/5 एक्स प्लस वन। अब मैं ये कह रहा था कि सर क्यों ना मैं यहाँ पे 1/5 को कॉमन ही कर दूँ, 2x प्लस वन 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बात समझे, यस और नो? अब इंटीग्रेशन किसका करूँ, इसका या इसका, राइट वाला, आई कर दो इंटीग्रेशन, 3/5 एक्स प्लस वन। मैं तो दोनों का सेपरेट ही कर दूंगा, दोनों का, इट्स योर चॉइस, मैं सेपरेट कर रहा हूँ दोनों का इंटीग्रेशन, 2/5 कहाँ पे, 5 के साथ, यहाँ पर कह रहे हो x प्लस टू, ठीक है अलग कर दो इसका, 1/5 बाहर, 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बेटा ये बताओ, इसका इंटीग्रेशन तो आप झट से कर दोगे, i1 ले लो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, डिलीट करेंगे, पिछले एक साइज में पढ़ा है, एक मिनट प्राची कुछ कह रही है, यस प्राची बोलिए, 1/5 को बाहर कैसे ले, 5 कॉमन था, 2 क्योंकि 2 सिर्फ x के साथ था, 2 इसलिए कॉमन नहीं ले सकता क्योंकि 2 x के साथ था, क्लियर? क्लास जरा फोकस करो, या एक काम और करता हूँ, और सिंप्लीफाइड कर दो इसे, और सिंप्लीफाइड, ये लो सेपरेट ही कर दो ना इसे, 2x/5 एक्स स्क्वायर प्लस वन, लो और इजी हो गया, प्लस 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, अब तो कोई इशू नहीं किसी को भी, बोलिए 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका 1/5 बाहर रख दिया, 1/5 dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन,
यहाँ तक क्लियर? ऑनलाइन कुछ आया? हाँ बच्चा कहता है I1 का 1/5 बाहर नहीं कर सकते, कहो तो 3 भी बाहर कर दे, कहो तो 5 भी बाहर कर दे, ये लो और भी इजी हो गया अब, ठीक है? ये तो लिखने का वे अपना अपना, अब सर अब तो इजीली हो जाएगा। एग्जैक्टली इसलिए मैंने इसको ब्रेक कर दिया पहले, लेट करके कर लो। लेट कर लो इसे क्या x square plus 1 को t 2x dx dt क्या हो जाएगा, आपका चेक करो क्या हो जाएगा, ये हो गया dt by बाय टी 1/5 यानी log mod t upon 5। इसका भी इंटीग्रेशन कर दो जरा साथ में, इसका डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ मैं एक साथ ही ताकि टाइम बच जाए। 3/5 log mod x plus 2 plus 1/5 log mod x square plus 1 plus c valid also finally 3/5 log mod में x plus 2 log mod में x square plus 1। और एक सेकंड, इसका लॉग थोड़ना आएगा मेरे बच्चा, क्या कर रहा है, मेरे गलत करा देगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, टैन इनवर्स, भूल गया, 1/5 टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/5 टैन इनवर्स एक्स, बोला यहाँ तक क्लियर? अब लास्ट में क्या करें, बस आई गेस इतने पे आंसर रह जाएगा, लास्ट में जाओ तो ऐसे लिख दो वरना ऐसे खत्म क्वेश्चन, आंसर इसी पे इसने छोड़ा हुआ है, ये लो आंसर, ये था बेटा। अब बताओ मुश्किल लगा, कैसा लगा ऑब्जेक्ट टॉपिक ही आपको? ठीक ठीक, बहुत इजी नहीं बहुत टफ भी नहीं, मैं होमवर्क दूंगा वो क्वेश्चन करके लाना पहले। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मिनट क्वेश्चन 2 पे जरा नजर मारो। आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको क्या करूंगा बेटा मैं, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, यस और नो? फिर कौन सा लीनियर लीनियर वाला हो गया, बात समझ आई नहीं आई? आ गई, हाँ इस पे लास्ट एक्सरसाइज की तरह भी कर सकते हो और इसकी तरह भी कर सकते हैं, इसको तो लास्ट की तरह ही कर लो, सबसे आसान रहेगा। 1, 2, 3, 4, जिससे क्वेश्चन 5 है बेटा, क्वेश्चन 5 क्या मेरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बेटा इसका क्या होगा, इसके क्या हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर्स, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और अगर कई बार हो सकता है होल स्क्वायर भी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं आएगा अभी, 7 आएगा आपका, क्या चीज सेकंड बार, एक मिनट पिछली वाली उसमें क्या फॉर्मूले थे जरा पढ़ना, एक मिनट मैं बता दूं, लास्ट वाले एक्सरसाइज में थे डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है ये, याद आ गया, 1/2 है लॉग मॉड में आ गया, ठीक है, गलत बोल रहे हो, खोलो देखो, 1/2 है लॉग मॉड में एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, ठीक है। 5, 7 क्लास जरा फोकस करना, 8 रुक गया इतने पे क्योंकि मेरे को पता है ये बहुत टाइम खाएगा आपका स्टार्टिंग में। एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले एग्जांपल करना, एग्जांपल 11, देन 13, देन 16, चलो देखो थोड़ा सा आपको आपकी लिमिट क्रॉस करनी पड़ेगी, अनडाउटली होमवर्क ज़्यादा है आई नो दैट, ठीक है,
रीजन बीइंग दैट अगर इस समय इसको नहीं करा हमने, ये टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, तो बेटा इसका इफेक्ट आपको फाइनल में पड़ेगा।